गाइस, पोएम है अंधेरे का दीपक। हम सबको ये पता ही है, नहीं भी पता है तो इट्स ओके। लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा, ठीक है। हु इज हरिवंश राय बच्चन? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। हरिवंश राय बच्चन जी ने ये बेसिकली लिखा था। उनकी ऐसे कोई टिपिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट हम ये समझ सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी, उनकी साथी का देहांत हो गया था। उसके बाद वो दुखी थे, ठीक है। तो वो खुद भी अपने में और लोगों में एक उत्साह पैदा करना चाहते थे, जिसके कारण ये कविता लिखी गई। तो यहाँ पे बेसिकली यही बोल रहे हैं, इट्स अ प्रोत्साहन वाला कविता, ठीक है। प्रोत्साहन मतलब क्या? मोटिवेट कर रहे कि आगे बढ़ो। बहुत सारी चीजें लाइफ में होंगी, राइट। जैसे तुम उम्मीद किसी से कुछ करोगे बट लोग कुछ और निकल जाएंगे, या समथिंग। जैसे नहीं होता है, जैसे हम तुम लोग से इतना उम्मीद कर रहे हैं बट अब तुम लोग उतना वैसे नहीं निकले, तो नहीं होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट इसके कारण हम सैड होके तो नहीं बैठेंगे ना, हम क्या करेंगे? अपना एफर्ट्स और लगाएंगे, या जैसे भी करेंगे जिससे हम खुश रहे, रादर देन लोगों के बिहेवियर से खुद को दुखी करने से बेटर क्या है, खुद ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लो जिससे तुम खुश रहो, ठीक है। तो ये पैरा पैरा वाइज अलग अलग मीनिंग बोलकर सब में एक ही चीज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ये ऑल ओवर उसी का पोएम है। हम पोएम खत्म कराने के बाद, जैसे फूल की चाका तुम लोग को लिखवाए थे और लर्न करा दिए थे जो लोग ने अटेंड किया था, वैसे आज इसका करवाएंगे और तुलसीदास के पद का कराएंगे, ठीक है। इसका और तुलसीदास के पद का दोनों का कराएंगे। हो सकता है ब्रेक के बाद कराए आफ्टर दिस पोएम, या हो सकता है पोएम के जस्ट बाद कराए। तो अपना कॉपी पेन ये सब भी लेकर रख, ठीक है। पहले अंडरस्टैंड करवा दे रहे, अच्छे से सुनो, क्योंकि हम अभी सारा पोइम्स रिपीट नहीं कर रहे। तुम लोगों को भी पता है हम वही पोइम्स रिपीट कर रहे हैं जो हम तुम लोगों को बता चुके हैं, अपना एग्जाम के लिए रिलेटेड वाला चीज है, तो हम वही अभी पहले चालू। तो इसमें क्या है, देखो पहला लाइन क्या है, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो पहले ही हमसे प्रश्न करे। कभी कभी क्या होता है बच्चा लोग, कि हम लोग ना एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि तुम लोग ऐसा करो, तो तुम लोग नहीं सुनते हो, राइट। माने आम जनता नहीं सुनती है। बट जब हम लोग किसी चीज पे तुम लोग को सोच विचार करने के लिए बोलेंगे ना, ये सोचो क्या है तुम लोग के लिए सही है या नहीं सही, तो तुम लोग अपना बुद्धि लगाएगा। क्वेश्चन जब करते हैं तब तुम लोग अपना बुद्धि लगाते हो, तुम लोग को लगता है कि नहीं, सामने वाला जो बोल रहा है वो तो सही। तो रादर देन अ स्टेटमेंट, इन्होंने शुरू ही किससे किया, एक प्रश्न से किया, ताकि एम्फेसाइज कर पाए, जोर दे पाए, लोगों को सोचने पे मजबूर कर पाए। तो यहाँ पे पहला सोच बोला है, अंधेरी रात माने बुरे दिन चल रहे, ठीक है। अंधकार इज व्हाट, बुरा है अंधेरी रात पर दीवा माने दिया जलाना कब मना है। अंधेरी रात है, रोशनी नहीं है, सुबह तो नहीं हो सकती है। सुबह का क्या होता है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा, चलो ठीक है मान रहे, उतना पॉजिटिविटी तो नहीं हो सकता है, अंधकार आ गया, बट ठीक है थोड़ा सा तो रोशनी लेकर आ जाओ, दिया ही जला लो। अगर सुबह नहीं हो रही है तुम्हारे जीवन की, तो तुम कुछ ऐसा तो टूल लेकर आओ, कुछ ऐसी तो चीजें लेकर आओ जिससे एटलीस्ट थोड़ी रोशनी तुम्हारे जीवन में आ जाए। तो हम लोग की लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी ऐसा आता है, अंधकार आता है, तो रादर देन सारी खुशी डिमांड करने से बेटर है छोटी सी खुशी को ढूंढ लो। ये नहीं कि मुझे सब कुछ चाहिए, कोई बात नहीं, एक ही चीज से खुश हो जाओ, यही ये बोलना चाह रहे। देखो है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनिया जो मंदिर था, अब ये बता रहे हमने ना अपना कल्पना वाला स्वप्न वाला एक मंदिर बनाया था। कमनिया माने कल्पना के हाथ से कमनिया जो मंदिर बना था, जो सोचे थे, इमेजिनेशन किए थे, होता है ना कि इमेजिन किए थे कैसा ऐसा होगा, वही मंदिर हमने बनाया था। मंदिर से यहाँ पे बेसिकली इट्स नॉट एग्जैक्ट मंदिर गाइस, मंदिर एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पे खुशी मिलती है। तो इन्होंने अपना ऐसा घर बनाया था जहाँ पे इनको इनको बहुत खुशी मिल रही थी, ठीक है। अपने इमेजिनेशन का कुछ ऐसा रचा था जिनको बहुत खुशी देने लायक चीज थी। नेक्स्ट, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को ताना था, वितानो इस तंबू स्टैंड होता है ना वो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपने भावना माने फीलिंग के साथ, होता है ना हम लोग जब कुछ नया बनाते हैं जिसमें हम लोग का पूरा दिल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, पूरे दिल के साथ है ना अपना फीलिंग भी उसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाया था, अपना भावना भी उसके अंदर जोड़ा था, भावना के साथ ने जिसमें वितानों को ताना था, वितानों माने खंबे। क्योंकि अगर सबसे पहला पता है ना तुम लोग को, जब घर बनता है तो क्या होता है, पहले वो स्टैंड ही बनता है बेस के लिए, उसके बाद सारी चीजें बनती है। तो यहाँ पे वही बोले तंबू जैसा या स्टैंड जैसा लगाया था विद फुल ऑफ फीलिंग्स। नेक्स्ट, स्वप्ना ने अपने करों से, करों मतलब होता है बाबू हाथ, स्वप्ना माने ड्रीम, तो ड्रीम ने अपने करों से माने अपना सपना जैसा नहीं होता है, सपना जो सोचा था वैसे अपने हाथ को यूज करके था, जिसे रुचि से संवारा, रुचि माने इंटरेस्ट, हम ऐसा कुछ बनाए जिसमें अपना फीलिंग्स भी लगाए, इंटरेस्ट भी लगाए, होता ना पूरा डेडिकेशन था मेरे अंदर, वही चीज यहाँ पे बोल रहे कि मेरा सपना जैसा कुछ मैंने बनाया है अपने हाथों को यूज करके, अपना रुचि अपना इंटरेस्ट के साथ उसको क्या है सवारा माने सजाए अपने घर को।
स्वर के दुष्प्राप्य रंगों से, दुष्प्राप्य ऐसा कलर है जो कठिन होता है मिलने वाला, राइट। तो बोल रहे स्वर्ग के ऐसे कलर्स को मैं लाया जो मिलना मुश्किल होता है, मैंने अपने घर को ऐसा रंगा जो मिलना मुश्किल हो और वो मुझे मिल गया। मिलना मुश्किल होता है वो मुझे मिल गया, सोचो एक कुछ चीज ऐसी होती है ना गाइस जिसका मिलना मुश्किल और तुम्हें अगर मिल जाता है वो चीज, तो हम लोग को कैसा फील होता है, हम लोग को एकदम वाओ वाला फीलिंग होता है। बट उसी के नेक्स्ट सोचो वो मिल के चला जाता है तो कैसा लगेगा, वैसे ही इनको लगता है कि ऐसा चीज जो इम्पॉसिबल था वैसा चीज मिल गया, बट उसके बाद वो खो गया। तो देखो स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से, दुष्प्राप्य माने जो मिल नहीं सकता है, कठिन प्रयास से मिलता है, रसों से जो सना है, रसो माने क्या बोलेंगे उसको, अपने एक रुचि बोल सकते हैं या पूरा ऐसा बोल सकते हैं जिसमें जूसी लगता है, राइट, मजा आता है, रस माने मजा, मजा से जो सना था, पूरे घर को सना था, अच्छे से सजाया था, ढह गया वह तो जुटाकर ईट। अगर वो ढह गया, क्या ढह गया, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा पवित्र घर जिसको तुमने अपना 100% दिया था, वो ढह गया, टूट गया, तो कोई बात नहीं, टूट जो टूट गया ना उसका बचा कुचा ईट वीट होगा ना, देखो ईट पत्थर कंकड़ उसको वापस ले। एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब बना है, कुटिया माने झोपड़ी भी बोल सकते हो, कमरा भी बोल सकते हो। तो बोलता है कोई बात नहीं, था विशाल घर तुम बनाया था वो तो टूट गया, टूटे हुए ही इंस्ट्रूमेंट्स को, टूटे हुए ही सामान को यूज कर लो ना, और कोई बात नहीं, उतनी खुशी नहीं होगी, अगली शांति तो दो अपने मन को। तो एक ऐसा घर बनाओ, एक ऐसा कमरा बनाओ, एक झोपड़ी बना लो जिसमें तुमको सुकून मिले। तो वो मना है कि ऐसे हमसे प्रश्न कर रहे, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा नहीं, मना तो नहीं है। हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, तो अंधेरी रात है माने वही है, होपलेस हो गए, दुख दर्द पीड़ा सब आ गया, बट कोई बात नहीं, छोटा सा खुशी को ही अपना प्राप्त कर लो, छोटी चीजों में ही अपनी खुशी ढूंढ लो, यहाँ पे बस इतना ही बोला है। फटाफट ये देख लो तुम लोग एक बार जल्दी से अपने अपने बुक से, कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सबको क्लियर है, थम्स अप दिखाओ, हो गया तो अच्छे से देखो, फाकीबाजी मत करो, क्योंकि हम लोग गाइस एक बात अच्छे से जीवन में हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी चीज को बचा कुचा टाइम दोगे ना उसका रिजल्ट भी बचा कुचा आएगा, एंड किसी चीज को शिद्दत से 100% एफर्ट दोगे ना तो रिजल्ट भी वही आएगा। सोचोगे बचा कुचा टाइम देंगे और सोचोगे कि 100% रिजल्ट आए तो इट्स नॉट, तो हमेशा किसी भी चीज को 100% तो तभी आएगा, नहीं तो एवरेज बन के रहने में खुशी अपना प्राप्त करो। ये मत सोचो मुझे एकदम ऊपर जाना है, अगर इसी में खुशी मिलता है कि चलो ठीक है हम एक दो नंबर कम ले आएंगे जिसके कारण तुम लोग का हाईएस्ट वाला फीलिंग तुम लोग को नहीं मिलेगा तो इट्स ओके, तुम लोग का फीलिंग, क्योंकि हर लोग तो नहीं हो सकता ना, वही है जिस जो मिलता है उसमें खुश रहो, वही तो पोएम सिखा रहे, तो तुम लोग भी जो मिलता है उसमें खुश रहना, है ना, जो अपना बेस्ट नहीं दे रहे। दीवा का मतलब बाबू दीपक है, निधि, दीपक जलाना कब मना है, अंधेरा हो गया ना तो लाइट जैसा फीलिंग तो नहीं देता है, बट दीपक आता है तो एटलीस्ट कुछ तो रोशनी आएगी ना हमारे घर में, हमारे जीवन में, वैसे वो ठीक है। निधि थर्ड लाइन एंड सिक्स्थ लाइन में क्या बोल रहे हैं, थर्ड लाइन है भावना के हाथ से जिसमें वितानों को ताना था, मतलब नॉर्मल है घर बना रहे तो पहले तो स्टैंड बनाना होगा ना, बड़े बड़े ऐसे तंबू जैसे गाड़ते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने अपने किसके हाथ से भावना फीलिंग्स लगाया था, फीलिंग्स के साथ पूरा बेस सजाया था, बेस माने यहाँ पे वितान माने तंबू, ये सब स्टैंड लगाया नहीं, खुशी खुशी भावना फीलिंग्स के साथ, खुशी तो होगी ना, अपना फीलिंग्स तुम किसमें दोगी बोलो, जिसमें तुमको खुशी मिलती है, तो इन्होंने भी अपना फीलिंग्स खुशी, ठीक है ठीक है। सब कुछ बनाई थी ना टूट गया, अब क्या करोगी, रोती रहोगी, नहीं तो बोले टूटे हुए सामान को लेकर एक झोपड़ी बना लो, बड़ा महल नहीं बन सकता तो कोई बात नहीं, छोटी सी झोपड़ी बनाने में भी कौन रोक रहे, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लो बुक में, इसका मेन चीज है कभी भी कोई सामान टूट जाए या कभी कुछ चीज कोई चीज बिखर जाए तो उसको वापस बनाया जा सकता है, ये हमें इस पैरा से समझाया जा रहा है। कभी भी कोई बनाई हुई चीज टूट जाए और उसमें एक्सैजरेट कर देना बहुत मेहनत से एंड ऑल परिश्रम से बनाई हुई चीज बिखर जाए टूट जाए
तो उस टूटे हुए सामान को वापस से सजाना, सजाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे नहीं, उस टूटे हुए चीजों से ही वापस कुछ बनाने का या कुछ छोटी चीज ही बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए या करना चाहिए, ऐसे भी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, निर्माण और ये क्या बोलते हैं, न से वर्ड बोलो तो विनाश, सॉरी, हाँ, तो बनाना और विनाश तो होता ही रहेगा, राइट। कभी विनाश हो रहा है तो वापस उस चीज को रचो, यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है, कभी टूटे मत रहो, विनाश भी नियम है और वापस वापस बनाना भी नियम है चीजों का, शॉर्ट में लिखो। आगे चले, क्लियर, आगे चले तो ठीक है। आओ सेकंड पैरा, अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलना, उसके बाद देख। फर्स्ट पैरा पूरे अच्छे से हो गया, सेकंड, बादलों के अश्रु से धोया गया नवनील, नवनील माने आसमान, बादल का आंसू माने बारिश, बारिश हो जाते तो आसमान पूरा क्लियर लगता है ना, नहीं तो क्लाउडी होता है, तो बोल रहे हैं बादलों के अश्रु माने बारिश से धो दिया गया, किसको, नवनील माने आसमान, नीलम, नीलम इज जेमस्टोन्स, ठीक है, रेयर स्टोन्स बोल सकते हैं, ब्लू ब्लू जो होता है वो, नीलम का बनाया था गया मधुपात्र, मधुपात्र माने अल्कोहल पीने का जो ग्लास होता है उसको स्टोन से बनाया था, नीलम से, नीलम मतलब क्या हो गया बोलो, अपना जेमस्टोन, तो होता ना इतने अलग अलग मोतियों से, जेमस्टोन से हमने क्या बनाया था, अल्कोहल पीने का ग्लास बनाया, क्या बोले, अल्कोहल पीने का ग्लास, मदिरा, मदिरा पान करने का जो ग्लास है, जो पात्र है, वो किससे बना था गाइस, नीलम से, नीलम इज जेमस्टोन, जो जकड़ावा रहता है, बहुत स्टोन, मनमोहक माने मन को प्यार छूने वाला, ऐसा ग्लास था, मनोरम अति सुंदर, मतलब प्रथम उषा की किरण, प्रथम उषा माने पहला सनशाइन का जो रेज आता है उसका किरण, की लालिमा सी लाल मदिरा, माने जो ग्लास के अंदर अल्कोहल है ना वो लाल है, और उस लाल का वर्णन ये लोग किससे किया है गाइस, सूरज की पहली किरण से जो लाल हो, वापस बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले बोला बारिश होने के कारण जो आसमान है वो क्लियर हो गया, फिर बोला अल्कोहल का ग्लास जो है मदिरा, मदिरा इज द हिंदी वर्ड, मदिरा का जो पात्र है वो नीलम से जड़ा हुआ था, बहुत सुंदर पात्र है, बहुत मनोरम, दिल को सुंदर लगने वाला, बहुत अच्छा पात्र है, और उसके अंदर जो अल्कोहल है मदिरा है वो लाल रंग का है, वो ऐसे लाल रंग का है जैसे सूरज की पहली किरण, क्या सबको क्लियर है ये चीज, जो समझाए अभी पूरा लर्न हो गया, जैसे तीन लाइन को डिकोड किया, वापस बोले, बोलो, बोलोगे तो हम वापस भी बोल दें, थम्स अप और एनीथिंग फटाफट, दी एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, ठीक है, अच्छे से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ नहीं आ, देखो, बादलों के अश्रु से धोया गया नवनील, इस लाइन का जस्ट मतलब है बादल का अश्रु माने बारिश, ठीक है, बादल हो रहा है मतलब क्या, बारिश हो रहा है, से धो दिया, बारिश क्या करे, धो दिया, किसको धो दिया, आसमान, क्यों ऐसा क्यों बोले, जब किसी चीज को हम लोग धोते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, तो आसमान क्लाउडी था और बारिश होने के बाद क्लाउड चला गया तो क्लियर हो गया ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बारिश होने के बाद आसमान क्या हो गया, एकदम धो डाला गया है, ऐसे लग रहा है, बोलो समझ आया ये वाला चीज निधि, हाँ जी, आगे अब सुनना, अब दूसरा लाइन, नीलम, नीलम इज जेमस्टोन्स का बनाया था गया, माने नीलम को यूज करके हमने क्या बनाया, मधुपात्र, मधुपात्र माने मदिरा पीने का ग्लास, मदिरा इज अल्कोहल, अल्कोहल पीने का ग्लास, मनोरम, मनमोहक, मन को छूने वाला ग्लास था वो, मनोरम, बहुत सुंदर ग्लास था, प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा, मदिरा माने अल्कोहल, तो जो मदिरा है ना वो ग्लास के अंदर था वो लाल रंग का था, और उस लाल रंग के रंग को किससे कंपेयर किया पता है, सूरज की पहली किरण से, देखो प्रथम उषा की किरण, सुबह होता है ना उषा, मतलब प्रथम सुबह की किरण की लालिमा सी लाल, लालिमा ने, लालिमा माने लाल लाल रोशनी जो आ रहा है उसकी तरह लाल था मदिरा, देखो ये तीन लाइन तुम लोगों को समझ आया कि नहीं, तो हम वापस भी रिपीट कर देंगे, फटाफट देखो, और हम चैट बॉक्स नहीं देख रहे, किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज ओरली बोलना बाबू,
क्लियर है तो बोल दो हाँ ना। हाँ मैम। आगे बढ़ रहे ठीक है सुनो। ओके आगे सुनना अच्छे से। थी उसी में चमचमाती, क्या किस में चमचमा रहे? पात्र में, ग्लास में, पात्र इज ग्लास, ग्लास में मदिरा चमचमा रहे, शाइन कर रहे, ठीक है, लाल लाल मदिरा। और पता है कैसे शाइन कर रहे? उसको कंपेयर किया है नव घनों में चंचला सब, नव माने नया नया, घन माने बादल, नया बादल में चंचला माने बिजली जैसा, जैसे बादलों में बिजली चमकती है ना, इमेजिन करो एकदम वैसे ही ग्लास में मदिरा चमक रहा है। तो यहाँ पे आ सकते हैं कि किसको किससे कंपेयर किया, क्या क्लियर है या वापस बोले? ग्लास में मदिरा चमक रही है, किसके समान चमक रही है? बादल में जैसे बिजली चमक रही है, चंचला माने बिजली, सम माने समान, क्या क्लियर है? हाँ ठीक है आगे। वह अगर टूटा माने ग्लास टूट गया, पीते पीते छूट गया तुम्हारे हाथ से ग्लास, मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, तो कोई बात नहीं टूट गया तो टूट गया, दोनों हाथ की हथेली मिला लो एक निर्मल माने क्लीन स्रोत से, श्रोता जहां पानी का सोर्स आ रहा है वहां से, या पानी बोलो जल बोलो से। तृष्णा बुझाना कब मना, यहाँ पे तृष्णा का मतलब प्यास, प्यास बुझाना कब मना? तो अल्कोहल ना मिला, मस्ती की चीज ना मिली, अट्रैक्टिव चीज नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, प्यास ही तो बुझाना है, जल ही पीकर अपना प्यास बुझा लो। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? नेगेटिविटी है तो, नकारात्मक ऊर्जा है तो कोई बात नहीं, सब बहुत हम लिखवाएगा भी आफ्टर दिस क्लास, नकारात्मक ऊर्जा है तो कोई बात नहीं, सकारात्मक लाना कब मना है, है ना, सकारात्मक चीजों से हाथ मिलाना कब मना है, देखो कितना अच्छा लाइन, तो ऐसे करके बोल रहे। तो इस लाइन में बोल रहे हैं हमेशा तुम लोग को जो चाहिए जरूरी नहीं है वो मिल जाए, या मिलकर हो सकता है छूट भी जाए, तो तुम लोग को किसी और के साथ ही अपना मन बहला लेना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोला जाए, कोई बात नहीं, ऑप्शन रखो, ऑप्शन के साथ ही अपना मन बहला लो, एक बार देख लो, ठीक है, यही इसका मीनिंग था, एक्चुअल में यही मीनिंग। यहाँ पर बोल सकते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं मिले तो जो मिले उसी को बटोर लो, वही तो मेरा अनलिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब नहीं है बाबू, इसमें ये चीज है तुम्हारी प्रिय चीज, मदिरा क्या होता है, अट्रैक्टिव चीज ना, व्हाट इज मदिरा, जो मदहोश कर दे, जो जिसमें तुम्हें मजा आए, तो जो मजा आ रहा है वो चीज तुमको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपना इतना लालच मत बढ़ाओ, जो मिल रहा है उसी में खुश हो, लास्ट तुम्हारा ठीक था, बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज वाला चीज नहीं है, ठीक है, इसमें तुम्हारी मनपसंद चीज, ठीक है, हाँ, और ये चीज तुम ठीक हो ना, जो मिल रहा है उसी में काम चलो, ये चीज तो बोल रहे, जो मिल रहा है कोई बात नहीं उसी में रहो, यहाँ पे तो मदिरा को दो चीज से रेफर किया है ना, दो चीज कैसे, एक वही क्या अट्रैक्टिव वाला चीज बोल रहा है शराब, वो वैसे कंपेयर भी हाँ हाँ, और एक क्या बोल रहा है बोल, चमकता वाला मदिरा के लाल रंग को उषा की किरण से कंपेयर किया है, ठीक है, मोर और लेस राइट है तुम, और जब वो ग्लास के अंदर है तो ऐसा लग रहा है कि बादल में बिजली चमक रही है, हाँ भाई, हाँ, तो यहाँ पे यही चीज है कि तुम्हारी मनपसंद चीज बिछड़ जाए तो थोड़ा क्या बोलते हैं, शांति रखो, थोड़ा इंतजार करो, और जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, बोलने थी। यहाँ पर जो एक निर्मल स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत एक तरीके से श्रोता है, देने वाला, जहां से पानी आ रहा है, सोर्स वाटर का, बट तुम इसको पानी भी बोल सकते हैं कि पानी पीने से प्यास बुझाना कब मना है, या फिर उस सोर्स के पास चले जाओ जहां से तुम्हें क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ऐसे स्रोत से, एक निर्मल माने क्लीन वॉटर से, या वॉटर के सोर्स, तुम पानी लिखेगा तो कोई रॉन्ग नहीं है, पानी भी यूज कर सकते, जल पानी जल ऐसे करके वर्ड्स बोल देना, ठीक है, ओके क्लियर, देख लो अच्छे से देख लो, और बहुत अच्छे से बता दे रहे, अभी एकदम क्लियर कर लो लाइक, बाय चांस तो छोड़ दो, नोट्स तो करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट चीज नोट्स में करवाएंगे, नोट्स भी क्रिस्प, ये नहीं कि बहुत लेंदी फैलती, एकदम क्रिस्प फूल की चाह की तरह, कि थोड़ा बहुत करके सारा खत्म, तो किसी को कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क, कराऊं आगे? हाँ मैम।
कितना अच्छा पोएम है ना, मैंने देख रहे हो तुम लोग लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि यार क्यों दुखी रहना है, राइट, क्यों लोग में फंसो या क्यों चीजों में फंसो, जब अपने लाइफ को एकदम सॉर्टेड रख सकते हो, छोटी छोटी खुशियों में रहो, बेसिकली पता है पूरे में यही बोल रहे हैं, जो मिल रहा है, जो नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, तुमको वापस से कुछ बनाना है तो बना लो ना, उतना बड़ा नहीं बनेगा, ये फर्स्ट पैरा में लिख लेना, तुमको अगर वापस से होता है ना बनाना पड़े तो बनाओ, हो सकता है उतना सुंदर ना बने, कुछ छोटा ही बने, उसमें शांति तो मिलेगी, ये लाइन लिख लेना, बहुत अच्छा बोले। नेक्स्ट आओ आगे, क्या है तुम लोग बोलेगा अपने लिए बोल रहे, बट सच में अच्छा अच्छा लाइन्स है, मैंने होता है ना एक बार में निकल बोल रहे तो लिख लो, इसीलिए। नेक्स्ट, क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास, बोलो तो ऐसा कौन सा घड़ी होता है गाइस जब हमें कोई चिंता नहीं होता है, ऐसी कौन सी घड़ी है जीवन की जिसमें हमें कोई, जब हम बच्चे होते हैं, बचपन, एग्जैक्टली, क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, और एक चीज में है गाइस, जब माने बचपन में तो रहता ही है, बट हमें एक बचपन वाला फीलिंग या नहीं होता है, बचपन बेसिकली क्या है, जब हम फेक नहीं होते, राइट, हम एकदम ट्रू रहते हैं, जो है हम वही दिखाएंगे, रोना है, हंसना है, पागल जैसे दौड़ना है, हम लोग वही करते हैं, तो बचपन ना कब होता है, जब हम अपने लोगों के साथ रहते हैं, अपने कोई प्रियतम के साथ, जिसके साथ तुम फेक बिहेवियर नहीं करो, अंदर बाहर क्या हो सेम हो, राइट, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड भी बोला जाएगा। देखो, क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास, घड़ी माने समय, क्या वक्त था, वाह, कोई भी चिंता नहीं था, जस्ट इमेजिन करो लाइफ में, वाओ, कभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे लाइफ में एक भी टेंशन नहीं है, कितना अच्छा लगे, तो यहाँ पे भी ऐसे बोल रहे हैं। कालीमा तो दूर, कालीमा माने काला, कोई कालस होता है ना, कालस माने अंधकारी बोल लो, हम लोग के जीवन का कोई कष्ट बोलो वैसे, या बड़ा डिजास्टर बोलो, ठीक है, कालीमा तो दूर, छाया भी पलक पर थी ना छाई, माने कोई शैडो भी नहीं पड़ा, माने कोई डार्कनेस तो है ही नहीं, डार्कनेस का शैडो भी नहीं है हम लोग के ऊपर, माने दूर दूर तक, इस लाइन का मतलब है दूर दूर तक कोई कष्ट नहीं था, छोटा सा भी दूर दूर तक कष्ट नहीं है, इसका मतलब कालीमा तो दूर माने अंधकार, कालापन तो दूर, उसकी छाया भी नहीं छूई है हम लोग को, इस लाइन, आग से मस्ती छलकती, जब हम खुश रहते हैं ना, माने कभी भी किसी को देखना ना, सच में वो इंसान खुश है कि नहीं उसके आंखों से तुम लोग को पता चल जाए, माने इट्स ऑल इन दी आईज, अगर आंख देखकर तुमको फीलिंग आ जाता है कि वो बंदा या बंदी सच में खुश है या नहीं है, तो यहाँ पे वही है, आंखों में मस्ती झलक रही थी, क्योंकि हम लोग के अंदर जब खुशी रहती है ना, शक्ल से झलकती है, एंड शक्ल में सबसे इंपॉर्टेंट है इट्स आईज, आईज बता देगा कि कितने खुश हैं, कितने, बात से मस्ती टपकती, जो भी बातें करते वो बहुत सुंदर सुंदर हम बातें करते, क्योंकि टेंशन नहीं थी, हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, ये अपनी प्रियतमा की हंसी का बात कर रहे हैं, मेरी प्रियतमा, मेरी साथी या मेरी पत्नी का हंसी ऐसा था जिसको सुन के पता है बादल को भी शर्म आ, थोड़ा पोएटिक वे में बोल रहे हैं कि बादल भी शर्मा जाए कि इतनी सुंदर हंसी है मेरी प्रियतमा, वह गई तो ले गई, यार चली गई प्रियतमा, जीवन साथी पत्नी चली गई तो ले गई, उल्लास के आधार माना, माने मेरे दिल का जो खुशी था ना, जो बेस था, वही चला गया, माने किससे हैप्पीनेस आ रहा है, हम बोले ना बचपन, एक तुम लोग बोला, बट बचपन वाला फीलिंग किसके साथ आता है, अपने प्रियतम, या एक नहीं होता है जिसके साथ तुम ट्रू हो, तो यहाँ पे वही है, वो पर्सन जिसके साथ हम लोग एकदम ट्रू होते हैं ना, बच्चा जैसा बिहेव कर सकते हैं, वो इंसान चला गया जो मेरा बेस था, हम लोग अपना खुशी किसको बनाएगा इस, कहीं बाहर, हम लोग एक पर्सन पे खुशी खोज रहे थे जहां, जो यहाँ पे हुआ है, तो अगर वो पर्सन चला गया तो तुम्हारा खुशी भी तो चला गया, राइट, इट्स लाइक रिमोट, वो माने वो तुमको क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है बेसिकली करके, वो जैसा बिहेव करेगा हम लोग के अंदर वही चलेगा, वो गुस्सा हो गया हम लोग दुखी हो जाते हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं हम खुश हो जाते हैं, यहाँ पे भी वैसे लिखा गया है कि वो चली गई तो मेरा आधार बेस चला गया खुश होने का, देयर इज नो बेस नाउ, इसलिए बोलते हैं अपना 100% फीलिंग्स बोल लो, या अपना 100% किसी एक पर्सन पे इन्वेस्ट मत कर देना जब तक तुम लोग को ये अश्योरेंस नहीं है कि वो एकदम करेक्ट है और तुम्हारे फीलिंग्स के साथ नहीं खेले, तो ये सब लाइन ऐड करना अलग वे में, डायरेक्ट वे में नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखो तो बोलते हैं जिसपे हम अपना सब कुछ लगा दिए थे वो चली गई मेरे जीवन से, अब कैसे चली गई, हो सकता है धोखा देकर, हो सकता है मृत्यु हो गई, बहुत सारे रीजंस हो सकते, पर अतीर्था पर समय की, अतीर्था पर समय की माने कष्ट प्रॉब्लम वाले समय, मुस्कुराना कब मना है, कोई बात नहीं चली गई, इस बात से हंस लो, इन दी सेंस खुशी रखो, कोई बात नहीं, मेरे लाइफ में कभी आई तो थी, मेरे लाइफ में मोमेंट तो था ना कि जब मैं इतना खुश था, चली गई तो कोई बात नहीं, उसमें भी तो मुस्कुरा सकते हो, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, तो इधर बोलना चाह रहा है कि
लाइफ में लोग आएंगे लोग जाएंगे, सब तुम्हारे साथ नहीं होता है, सबके लाइफ में ऐसा होता है, कुछ लोग आए कुछ लोग गए, ठीक है। तो तुम लोग को धीरज रखना चाहिए, ये नहीं कि एक इंसान चला गया तो तुम लोग अपना धीरज खो दो, ये लाइन लिखो प्लीज। जीवन में इंसान आएंगे या लोग आएंगे और लोग जाएंगे, परंतु किसी एक इंसान या सारे इंसान तो बोलेंगे जिसको जाने जाओ भाई साहब, या सारे इंसान, सारे मत लिखो, राइमिंग अच्छा नहीं होगा, ऐसे कि एक इंसान के आने या जाने से हमारे जीवन में इतना फर्क नहीं आना चाहिए, हमें पूरा टूट नहीं जाना चाहिए। और बीते समय को याद करके दुखी ना होकर मुस्कुराना चाहिए, ऐसे ही करके देखो। लिख लिया, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लो, देख लो, कोई भी प्रश्न तो प्लीज आस्क। ये प्रियतमा से रिलेटेड है, हमारे मनपसंद इंसान से रिलेटेड है, बट इंसान आएगा ही जाने के लिए तो जाने दो, जस्ट होता है ना, जस्ट जाने दो और खुश रहो यार, इट्स ओके। इसीलिए और एक चीज साइड नॉलेज, अगर खुशी ढूंढना है तो सच में अपने अंदर ढूंढो, ना कि किसी के अंदर, किसी बाहरी व्यक्ति के अंदर। और अपने अंदर कैसे ढूंढोगे, मेडिटेशन जस्ट स्टार्टेड, अपने आप पता चल जाएगा। जो वर्ड बोलते हैं ना लोग कि अपने अंदर खुशी देखो, तो लोग पागल नहीं है जब बोलते अपने अंदर कैसे खुशी देखे। व्हेन यू डू मेडिटेशन तो तुम्हें समझ आता है कि तुम एक्चुअल में कौन हो एंड क्या है, तो तुमको बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे लाइफ में दुख आएगा बट तुमको ऐसा लगेगा चल छूकर चला गया, जो डीपली तुम लोग ले लेते हो ना वो नहीं लोग। तो आफ्टर एग्जाम स्टार्ट हो, अच्छा क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आ जाओ, हाय हाय से स्टार्ट हो रहा है, हाय वे उन्माद के झोंके, उन्माद माने मस्ती, खुशी के झोंके कि जिनमें राग जागा, राग माने मस्ती जाग गई, खुशी जाग गई, ऐसे जीवन में झोंके आए थे, मोमेंट्स आए थे, ठीक है, पल आया था ऐसा जिसमें जीवन में खुशी जा। वैभव वो से फेर आके, माने धन दौलत नहीं चाहिए था कभी को, बोलते हैं वैभव से आके फेर लिया मैंने, गान का वरदान मांगा। देखो धन दौलत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलते हैं ना ऐसा काम ढूंढो जिसमें तुम्हारा पैशन हो। तो इनका पैशन क्या, गान। तो बोल रहे मुझे धन दौलत से मतलब नहीं था, मैंने ईश्वर से क्या मांगा, गाने का वरदान। एक अंतर से ध्वनि तो, एक अंतर से ध्वनि तो दूसरे में जो निरंतर होता है ना, एक लिरिक से दूसरे लिरिक्स में जाते जाओ, गुनगुना रहे हैं वैसे ही लाइन में बोल रहे हैं। एक अंतर से ध्वनि तो हो जाता है, आवाज आता है और दूसरे में चला जाता है। भर दिया अंबर अवनी को, माने ऐसा गुनगुनाता था धरती और आसमान को भर दिया, अंबर माने आसमान, अवनि माने धरती, सबको भर दिया। मतता के गीत गागा, माने मस्ती के खुशी के गीत गागा के धरती आसमान को भर दिया, एक लिरिक से दूसरा लिरिक एंड सो ऑन चलता गया नॉन स्टॉप। अंत उनका हो गया, इतने सुंदर सुंदर गाने का अंत हो गया, मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति को गुनगुनाना कब बना है। तो कोई बात नहीं, एक गाना खत्म हो गया तो वापस से कोई अधूरा पंक्ति शुरू कर दो और वापस से गाने लग जाओ, कोई मना किया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई, माने यहाँ पे हमारे प्रोफेशन बोलो या चीजों से बोलो, हम लोग कोई चीज कर रहे हैं राइट, बट हम लोग सोचते हैं फेम मिलेगा ये मिलेगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिला तो भी उसके बाद भी तुम लोग कोई भी अधूरा काम अपना पकड़ लो और उसी को चालू कर लो ना। माने एक काम समाप्त हो गया तो ये नहीं सोचो ना हाई चला गया वो दिन, चला गया वो मोमेंट, ऐसे नहीं सोचो, बल्कि वापस से क्या कर लो, काम को करना शुरू कर दो, कोई भी अधूरे काम, यही चीज है। देख लो एक बार, ये सिंपल है, इसमें बस यही है। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था, इसका मतलब यही है ना कि मतलब दो साथी अगर एक गाना एक साथ गा रहे हैं और उसके नहीं 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 साथी नहीं है बाबू, इसमें साथी वाती नहीं, इसमें खुद का कला का बात है। और इसमें और एक चीज बोला है, जैसे एक गाना खत्म हो गया तो पास्ट में चला गया ना, तो तुम ये मत सोचो अपने भूतकाल में जाके, मत सोचो हाय मेरा भूतकाल तो बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं, तुम अपने वर्तमान में भी कोई अधूरी काम को शुरू कर लो, वापस उसको अच्छा बना लो ऐसे। तो ये जैसे सोचो, ठीक है एक टाइम कुछ ऐसा हुआ तुम बहुत फेमस हो गए, बेसिकली एक्टर एक्ट्रेस है उन लोगों के साथ होता है, क्रिकेटर्स, एक टाइम हुआ तुम फेमस हो गया राइट, बट एक सोचो नहीं होता सेंचुरी मार दिया सो ऑन करके, बट सेकेंड टाइम नहीं मार पाए तो कोई बात नहीं ना, पास्ट से रिलेट मत करो, अभी जो है उसमें खुश रहो, उसमें गुनगुनाओ, चाहे उतना बेहतर काम नहीं हो जैसे तुमने पहले किया था, बट कोई बात नहीं, कैसा भी काम करो उसमें ही मजा लो, ये काम से रिलेटेड है, यहाँ प्रेमी प्रेमिका नहीं है, ठीक है सुहानी, ठीक है।
दिस इज काम. देखो मैंने क्या है, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए था, मैंने गाना गाया है ना, तो मैं गाता रहता था, बहुत मस्ती से गाता रहता था, बट अधूरा रह गया पंक्ति मेरा. कोई अधूरा रह गया माने एक चीज कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया वो, बट अभी भी तो हम अधूरी पंक्ति को लेकर चालू कर सकते हैं, माने कोई भी काम को फिर से शुरू कर सकते. ऐसे एक बार जल्दी से देख लो, और इसमें यही लिख लो कि भूतकाल में ना रहकर वर्तमान में रहना चाहिए. भूतकाल में हमें उपलब्धियां बहुत सारी चीजें मिली होंगी, तो उसको देख देख कर रोना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए. ऐसे करके कि आगे में मस्ती या आगे के पल में रहो. बी इन दी प्रेजेंट बोलते हैं ना, वर्तमान में जी. ऐसे लाइन्स लिख लो इसमें, वर्तमान में जी.